केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आजादी के सफर में आज हम बात करेंगे शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सैफुद्दीन किचलू के बारे में। आज की कड़ी में हम महान शिक्षाविद और गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू का स्मरण कर रहे हैं। सैफुद्दीन किचलू का जन्म 1888 में 15 जनवरी को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में समर्पित कर दिया। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में वे अग्रिम पंक्ति में रहे। पेशे से वकील किचलू ने अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल के साथ अंग्रेजों के शोषण और दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। 30 मार्च 1919 को अमृतसर में एक जनसभा में 30,000 लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी का संदेश आपको पढ़कर सुनाया गया है। सभी नागरिकों को प्रतिरोध के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये पावन नगरी या देश रक्त रंजित हो जाए। ये प्रतिरोध धैर्यपूर्ण होना चाहिए। किसी भी पुलिसकर्मी या देशद्रोही के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग न करें, जिससे उसे कष्ट हो या शांति भंग होने की आशंका बने। रॉलेट एक्ट को लेकर बढ़ते प्रतिरोध से अंग्रेज सतर्क हो गए थे। उन्होंने 10 अप्रैल को किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें धर्मशाला भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद 13 अप्रैल 1919 को बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। जनरल डायर ने इस जनसभा पर गोलियां बरसाई और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किचलू को दिसंबर 1919 में जेल से रिहा कर दिया गया। किचलू जनवरी 1921 में अमृतसर में स्वराज आश्रम की स्थापना में व्यस्त थे। आश्रम की स्थापना का उद्देश्य था युवाओं को राष्ट्रहित के कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। ब्रिटिश अधिकारियों ने किचलू को बार बार गिरफ्तार किया। उन्हें कुल 14 वर्ष जेल में बिताने पड़े। किचलू लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष भी थे। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की। किचलू भगत सिंह के समर्थक थे और नौजवान भारत सभा में उनके साथ सक्रियता से जुड़े थे। वे जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना समिति के भी सदस्य थे। 1947 में किचलू ने भारत के बंटवारे का पूरी मजबूती से विरोध किया। उन्होंने पूरे देश में जनसभाओं में बंटवारे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने विभाजन को सांप्रदायिकता के लिए राष्ट्रीयता का समर्पण बताया। वे विश्व शांति परिषद के उपाध्यक्ष के साथ साथ अखिल भारतीय शांति परिषद के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। उन्हें 1952 में स्टालिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1951 में भारत सरकार ने किचलू को जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बनाया। 9 अक्टूबर 1963 को सैफुद्दीन किचलू का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन।